सिंध और बलोचिस्तान के बाद पंजाब पे भी तूफानी बारिशों का खतरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि मौसम की सूरत हाल की तसलसल के साथ मॉनिटरिंग की जाए और शहरों में निकासी आप के लिए वजह करदा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बारिश का पानी की जल्द निकासी में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अपने बयान में मुतल्लिका हुकाम को हिदायत करते हुए कहा कि मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, साहिवाल, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिश के पानी का निकास कम से कम वक्त में किया जाए और इस दिन में डी वाटरिंग पंप और दीगर जरूरी मशीनरी मुकम्मल फंक्शनल होनी चाहिए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि शहरियों को बारिश के दौरान मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए जाएं। वासा इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के हुकाम बारिश के दौरान दफातर में नहीं फील्ड में नजर आने चाहिए। बारिश होने से निकासी आप मुकम्मल होने तक की रिपोर्ट टाइमलाइन के साथ वज़ीर-ए-आला ऑफिस भिजवाई जाए।